This video is not made for kids. हे भगवान, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। मैं तो अपनी फ्रेंड छिपकली को आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। यो पुपिंदर, थारा भाई पुपिंदर। अरे चीकू, बस इतनी सी बात पे तू इतना दुखी हो रहा है रे? ऐसा करना, पैसा कमा ले फिर खिला लियो छिपकली को आइसक्रीम। अरे भूपिंदर, कैसी बात करते हो? अगर चीकू को इतना ही पता होता तो वो यहाँ पर रो तोड़ ना रहा होता। वैसे चीकू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। मैं जब भी नानी के घर पे जाता हूँ तो नानी के घर के आगे एक छोटा सा गार्डन है। उस गार्डन के अंदर मैं बहुत सारे आलू उगा देता हूँ। उन आलुओं को उगाने में पानी का पूरा खर्चा वर्चा लगा कर मेरे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये खर्च होते थे। 20 रुपये खर्च करने के बाद जब वो आलू थोड़ा ग्रो हो जाते थे, तब मैं उन आलुओं को ज़मीन से निकाल लेता था। तो ज़मीन से निकालने के बाद उन आलुओं को अच्छे से मैं वॉश करता था, उनको अच्छे से बॉयल करके छील देता था और उसके चिप्स बना देता था। तो उस चीज़ को पूरा करने में मुझे 20 रुपीज़ का खर्चा और देना पड़ता था। मतलब ऑयल वगैरह लाने में, उन आलुओं को छीलने में, इन सब चीज़ों को टोटल मिलाकर 20 रुपीज़ खर्चा और था। 20 रुपीज़ उन्हें उगाने में, 20 रुपीज़ उनको बॉयल करके चिप्स वगैरह फ्राई करके बनाने में। अब जब वो चिप्स रेडी हो जाते थे, उन्हें एक अच्छी सी पैकेट में पैक करके, वो जो पैकेट थी वो 10 रुपये की आती थी, उस पैकेट के अंदर पैक करके मार्केट में मैं उन चिप्स को सेल करता था। अब तुम बिलीव नहीं करोगे मैंने उन चिप्स को कितने में सेल करा है। मैं उन चिप्स को 100 रुपीज़ का सेल करता था। मतलब 20 रुपये मैंने क्या करा, आलू को उगाने में खर्च करे। 20 रुपये मैंने खर्च करे उन आलुओं को ज़मीन से निकालने के बाद अच्छे से वॉश करने में और कट करके उनके चिप्स बनाने में। जब चिप्स रेडी हो गए तो 10 रुपीज़ मैंने पैकिंग के खर्च करे। टोटल 50 रुपीज़ यहाँ पर खर्च हुए और सेल मैंने उन्हें 100 में करा, तो सीधे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट। इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज काम करती हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे एक चैप्टर के अंदर जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है। इसको अच्छे से समझ लो, इसके बाद तुम भी पैसा कमाना सीख जाओगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज चैप्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सेकेंडरी एक्टिविटीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल मतलब ये है कि रॉ मटेरियल्स को एक प्रोडक्ट के अंदर बना देना, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए वैल्यूएबल है। जैसे अभी अभी मोटूलाल ने बहुत सिंपल सा काम करा था, आलू उगाए, उनको वॉश करा, वॉश करने के बाद उनको फ्राई करा, चिप्स की शेप में कट करा और फिर उनको बेक दिया। तो उन आलुओं को मोटूलाल ने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, चिप्स के अंदर, और फिर उन्हें बेका और बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। ऐसे ही जो पेपर होता है, पेपर के अंदर क्या होता है, जो पल्प होता है उसको पेपर के अंदर चेंज कर दिया जाता है। जब आप एक पेपर खरीदोगे तो वो 1 रुपये का खरीद पाओगे आप, लेकिन इसी पेपर को अगर हम लोग बहुत सारा कलेक्शन कर दें इसका और एक नोटबुक के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो वही फिर आप नोटबुक लेने जाओगे तो वो बहुत महंगी मिलेगी। तो इसी तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं। तो इंडस्ट्री को हम लोग रेफर कर सकते हैं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है, चीज़ों को बनाना। कोई भी चीज़ हो गई, जैसे आलू मिल गए तो आलू के चिप्स बना दिए, पल्प मिल गया तो उसका क्या बना दिया, पेपर बना दिया। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स का भी काम करती हैं इंडस्ट्रीज, और बहुत सारी सर्विसेज भी देती हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स क्या, जो मिनरल्स होते हैं हमारी अर्थ के अंदर, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन सबको एक्सट्रैक्ट करना, ज़मीन से निकालना, और दूसरा प्रोविजंस ऑफ सर्विस। अभी सर्विस का मतलब क्या है, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे एक हम लोग सुनते हैं एक इंडस्ट्री के बारे में जिसका नाम है अर्बन क्लैप। तो अर्बन क्लैप के ऊपर आप अपने घर के अंदर कोई भी आपको काम करवाना हो, उस चीज़ के लिए आप बुला सकते हैं अर्बन क्लैप से एक पर्सन को। यहाँ तक कि घर को क्लीन करवाना हो उसके लिए भी बुला सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग काम होता है। आयरन और स्टील की इंडस्ट्री का काम है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। जो भी चीज़ आप आयरन या स्टील से बनी हुई देखते हो वो कहाँ पर बनी है, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री में। कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ का काम क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ
कोल, जो कोयला होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना। अब एक टूरिज्म इंडस्ट्री होती है, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी अर्बन क्लैप, इसी टाइप से एक टूरिज्म इंडस्ट्रीज भी होती हैं जिनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना। अब इसका मतलब क्या है, मान लो आप अपने शहर से किसी और शहर के अंदर गए, अब वहाँ पर आपको एक टूर गाइड चाहिए क्योंकि उस शहर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो वो जो टूर गाइड है वो आपको टूरिज्म इंडस्ट्री प्रोवाइड कराएगी। और बहुत सारे जब टूर गाइड एक साथ मिल जाएंगे तो उसे ही हम लोग एक तरीके से इंडस्ट्री बोल देते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई करा गया है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है, जिससे कि थोड़ी आसानी हो, हम लोग समझ पाएँ आसानी से इंडस्ट्रीज़ के बारे में और चीज़ें। 3 मेजर स्टैंडर्ड्स हैं जिससे हम लोग इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई करते हैं, मतलब कि 3 ऐसी चीज़ें जिससे हम लोग किसी भी इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं। एक तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, दूसरा उसका साइज़ कितना है, और तीसरा ओनरशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर कुछ होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इनका मतलब क्या होता है, ये लोग प्लांट और एनिमल के यूज़ से, रॉ मटेरियल से हम लोगों को कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाकर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेजिटेबल ऑयल। अब ये जो वेजिटेबल ऑयल है, इसको बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी होगी, प्लांट्स की ज़रूरत पड़ी होगी, वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ी होगी। कॉटन, जो हम लोग कॉटन का यूज़ करते हैं, कॉटन कहाँ से मिला होगा, प्लांट से मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, दही, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये मिलती हैं हमें काओ से, काओ इज़ अ एनिमल, तो ये क्या हो गया एक तरीके से हमारा एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। लेदर, जो हम लोग बेल्ट पहनते हैं या लेदर की कोई ड्रेस होती है, शूज़ होते हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें, एनिमल से। तो ये सारे इंडस्ट्री क्या चीज़ यूज़ कर रही हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का, तो इन्हें हम लोग बोल देते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ऐसे ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी होती हैं, ये यूज़ करती हैं मिनरल ओर्स का एज अ रॉ मटेरियल। अब ये मिनरल ओर्स क्या है, अगर आप आयरन को देखोगे तो आयरन अपनी रियल फॉर्म के अंदर ऐसा नहीं होता जैसे आपने देखा कि आयरन देखा और उसे उठा लिया, ऐसा नहीं होता, आयरन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो ये जो मिनरल इंडस्ट्रीज होती हैं, ये आयरन ओर्स को लेती हैं, उनको अच्छे से क्लीन करती हैं। अब ये जो क्लीन करने का प्रोसेस होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आयरन को और चीज़ों से सेपरेट करती हैं और प्योर आयरन को एक्सट्रैक्ट करती हैं। अब जब ये इस आयरन को निकाल लेती हैं, तब और इंडस्ट्रीज़ जो आयरन से बहुत सारा सामान बनाती हैं, वो इन इंडस्ट्रीज से आयरन ले लेती हैं। जैसे आयरन का आपने देखा होगा कितनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ग्रेल्स देखी होंगी, गेट देखे होंगे, और यहाँ तक कि यूटेंसिल्स भी कुछ कुछ आयरन के बने हुए होते हैं। तो ये सब कहाँ से आ जाते हैं हमारे पास, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, रॉ मटेरियल जो होता है हमारा आयरन, और उससे आयरन को निकाल लेती हैं और हमें प्रोवाइड करती हैं आयरन। फिर आती है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। अभी जो मरीन है, मरीन मीन्स वाटर, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि पानी के ऊपर डिपेंड करती हैं, पानी वो भी समुद्र वगैरह का या फिर नदी के पानी से क्या बनाया जा सकता है। आपको बिलीव नहीं होगा कि जो फिश ऑयल होता है, तो फिश ऑयल कहाँ से आता है, समुंदर से ही तो आता है, मछली कहाँ पर है, समुंदर का एक प्रोडक्ट है मछली, तो फिश ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं हमारे पास, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ से। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं प्रोडक्ट्स जो कि सी से या फिर ओशन से आते हैं एज अ रॉ मटेरियल। जैसे मछली को हमने एज अ रॉ मटेरियल पकड़ लिया वहाँ से, समुंदर से, फिर उस मछली का हम लोगों ने फिश ऑयल बनाया। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ जो फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल होते हैं उनका यूज़ करती हैं, जैसे कि पल्प। अभी आपने देखा ना कि पल्प का बहुत सारी जगह यूज़ आता है। फिर हो गया हमारा फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनसे दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। अब फॉरेस्ट के अंदर ट्री होते हैं, अब ट्री से क्या बना लेते हैं हम लोग, हमारे घर में देखा होगा हमने फर्नीचर बहुत सारा, तो फर्नीचर भी बनता है, और इस फर्नीचर के लिए लकड़ी कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फर्नीचर की जो भी है इंडस्ट्री। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स। अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स बनाने में भी फॉरेस्ट का बहुत सारा सामान यूज़ होता है, तो ये भी क्या हो गई एक तरीके से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि रॉ मटेरियल्स और उनके ऊपर कैसे और इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं हम लोग साइज़ की, साइज़ के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करा जाता है इंडस्ट्रीज़ को। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, क्या कुछ इंडस्ट्रीज़ सही में मोटी या फिर पतली भी होती हैं? ये वो वाला साइज़ नहीं है, कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत कम पैसे से भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर कम पैसे की ज़रूरत पड़ती है और कम टेक्नोलॉजी की और कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़।
एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आपने घर में कुछ वीविंग का काम करा, मतलब कि कुछ सिलाई करने का काम करा या पॉटरी का काम करा, तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से आपने क्या चीज़ बना ली है, अपनी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करे जाते हैं बाय हैंड, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और इनको बनाते हैं आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं वर्क करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो इन सब चीज़ों को बनाते हैं। फिर आती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब लार्ज हैं ये इंडस्ट्रीज़ तो यहाँ पर पैसा भी बहुत सारा चाहिए, बहुत सारे लोग भी चाहिए, और टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी चाहिए, सुपीरियर टेक्नोलॉजी चाहिए यहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए हम लोग चिप्स की इंडस्ट्री को लेते हैं, जिसको हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो चिप्स बनाते हैं जब हम लोग, तो चिप्स को मतलब ज़मीन से निकालना, बहुत सारे लोग चाहिए उस चीज़ के लिए, फिर उस चिप्स को क्या करना, वॉश करना अच्छे से, तो उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मशीन्स चाहिए। मशीन्स के बाद उन चिप्स को क्या करना, कट करवा देना, तो कट हो गए चिप्स, कट होने के बाद उन चिप्स को फ्राई करना, कितने टेम्परेचर पे फ्राई करना है, ये सब के लिए बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी, बहुत ही स्पेशल वाली मशीन्स चाहिए। अब इन सब काम को कोई ह्यूमन भी कर सकता है, लेकिन ह्यूमन इतने अच्छे से और बहुत ही मतलब आप ये बोल सकते हो कि प्रिसाइजली ये सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए और सुपीरियर टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने डिवाइड करा था इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको हम लोग ओनरशिप के बेसिस पे भी क्या करते हैं, डिवाइड कर रखा है हमने, क्लासिफाई करा हुआ है। तो एक होती हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो ये ओन्ड करी जाती हैं बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे कि अरे भैया जैसे कि मैंने चिप्स बनाए थे अपने घर के अंदर और अब उस कंपनी का मालिक मैं हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी ले सकते हैं। अरे वही अंबानी जी, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। तो जो अंबानी हैं उनकी भी क्या है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री रिलायंस वाली प्राइवेट है, उसके ओनर उसके मालिक सिर्फ वही हैं। वाह मोटूलाल, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। फिर आती हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिनको ओन करती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ही इन इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करती है। एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये जितनी भी कंपनियां हैं इन्हें क्या करती है, गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है और गवर्नमेंट ही ओन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। अब ये जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री हैं ये ओन्ड और ऑपरेट करी जाती हैं बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर ये मिलकर गवर्नमेंट भी और कुछ लोग भी मिलकर इन इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं, जैसे हाफ गवर्नमेंट की ओनरशिप हो गई, हाफ कुछ लोग जो हो गए प्राइवेट लोग, अंबानी जी जैसे वो लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड, तो ये क्या है, ये है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का एक एग्जाम्पल। फिर आती हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। अब ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय होती हैं प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पर जो सप्लायर होते हैं वो भी एक तरीके से मालिक होते हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर हो गए एक तरीके से, और वर्कर्स भी, और मतलब कि आप ये समझ लीजिए डायरेक्टली कि सभी इसके अंदर मालिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आनंद मिल्क, यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये सब क्या है, ये हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर जैसे किसी की काऊ है, उसने दूध निकाला, तो वो भी मालिक है क्योंकि वो रॉ मटेरियल दे रहा है, और जो वर्क कर रहा है मतलब उस दूध को पैक कर रहा है और लोगों तक डिलीवर कर रहा है, वो भी एक तरीके से मालिक है। तो ये क्या हो गई, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़, इनका कोई एक पर्टिकुलर मालिक नहीं होता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ को। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट। इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एक इंडस्ट्री डिपेंड होती है और उसकी कंडीशन इफेक्ट होती है। भैया ये सब तो बुक की बातें हैं, जरा कुछ कहानी के वे में समझाइए। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फार्मिंग का। अब रामलाल है,
रामलाल को मान लो पटेटो की फार्मिंग करनी है, आलू उगाने हैं, तो सबसे पहले उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लैंड की, ज़मीन की। अब यही रामलाल अगर लैंड यूपी के अंदर लेता है तो यूपी के अंदर उसे किराया देना पड़ रहा है लगभग 1000 रुपीज़ फॉर वन मंथ, और यही लैंड अगर वो किराए पर लेता है, रेंट पर लेता है पंजाब के अंदर, तो उसे 2000 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि रामलाल यूपी के अंदर लैंड लेगा। अब लैंड लेने के बाद उसने आलू उगाने हैं, तो आलू वो लेकर आया। अब लेकर कहाँ से आएगा वो आलू? मार्केट से। तो अब ये बताओ कौन सा लैंड वो लेना प्रेफर करेगा, वो वाला लैंड जो मार्केट के पास होगा या फिर वो लैंड जो मार्केट के दूर होगा? तो ऑब्वियस सी बात है आप सबका आंसर होगा कि यूपी के अंदर वो वाला लैंड लेना प्रेफर करेगा जो मार्केट से पास होगा, जिसे आसानी से वो मार्केट से चीज़ें लाकर यूज़ कर सके। तो यहाँ पर वो लैंड से अपने लैंड के लिए आलू ले आया। अब आलू लेकर आ गया तो अब रामलाल को आलूओं को लगाना था, मतलब कि कट करके पीसीस के अंदर सो करना था पटेटोज को। तो अब वो आलूओं को जब उसे सो करना था, उसके लिए उसे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब लेबर का वो यूज़ करेगा। अब लेबर में भी ऑप्शन है, अगर वो लेबर लेता है बिहार से तो बिहार के अंदर उसको लेबर की कॉस्ट पड़ेगी ओनली 10,000 रुपीज़। यही लेबर अगर वो यूपी की यूज़ करता है तो 15,000 रुपीज़ उसे कॉस्ट पड़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है वो बिहार वाली लेबर को यूज़ करेगा। अब वहाँ से उसने लेबर का इस्तेमाल भी कर लिया, अब लेबर का यूज़ हो गया, अब उसने पटेटो सो कर दिए। अब पटेटो उसको सो करने के बाद आलूओं को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पानी की, तो वाटर। अब वाटर वो लेगा तो वाटर आसानी से उसे जहाँ पर मिलेगा वहाँ से वो वाटर ले लेगा। अब पानी भी आ गया, अब पानी इतनी आसानी से तो नहीं आएगा, पानी को लाने के लिए भी उसे मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि वो पानी जिस भी जगह पर स्टोर है वहाँ से खींचकर उसके खेत तक या फिर उसके लैंड तक आ पाए। तो यहाँ पर आपने देखा कितने सारे फैक्टर्स थे, अभी एक छोटी सी चीज़ हमने ली उसके अंदर। तो यहाँ पर यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पंजाब में यही लैंड की कॉस्ट थी 2000 रुपीज़ पर मंथ रेंट, और यही यूपी के अंदर सिर्फ 1000 रुपीज़ था रेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि ज़्यादातर लोग, जैसे पंजाब की गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट को लगेगा कि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पर आए काम करने के लिए, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंसेंटिव लाइक सब्सिडी। अब सब्सिडी का क्या फ़ायदा है? सब्सिडी एक तरीके का डिस्काउंट है। गवर्नमेंट बोल देती है कि आप आ जाओ पंजाब के अंदर, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर आपको लैंड महंगा मिल रहा है तो हम आपको पानी फ्री में दे देंगे, हम आपको बिजली फ्री में दे देंगे, और आपकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी बहुत कम है यहाँ पर पंजाब के अंदर, मार्केट भी बड़े पास पास हैं। तो यहाँ पर जब ये सारे फायदे दिखते हैं रामलाल को, तो वो पंजाब भी जाना प्रेफर कर सकता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अलग अलग लोग काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो, तो वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं, जिसे हम लोग सब्सिडी बोलते हैं, एक तरीके का डिस्काउंट होता है ये। अब आखिरकार इंडस्ट्री का सिस्टम वर्क कैसे करता है? इंडस्ट्री सिस्टम के अंदर देखो सिंपल सी बात है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब इनपुट, इनपुट के अंदर हमने क्या करा, रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत थी, लेबर की ज़रूरत थी, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये सब चीज़ें आ गई। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम मान लो कोई बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप बना रहे हैं, तो उन्हें हम लोग लैंड पे तो बना नहीं सकते, उनके लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग चाहिए या एक अच्छा सा ऑफिस चाहिए काम करने के लिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ गया। ये सब हो गए हमारे इनपुट। अब इसके बाद क्या होता है, इनपुट के बाद हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट हो गया है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर। अब ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट। अब ये जो आउटपुट वाला प्रोडक्ट है इसे ही हम लोग बेक कर पैसा कमाएंगे। इस तरीके से सिंपली इंडस्ट्रियल सिस्टम काम करता है। जैसे हमने आलू लिया, आलू को उगा कर रेडी कर लिया, तो ये क्या हो गया हमारा एक तरीके से रॉ मटेरियल। आलू से फिर हमने क्या बना लिए, चिप्स बना लिए, चिप्स पैक हो गए, रेडी हो गए, तो जो चिप्स की पैकेट हो गई वो क्या हो गया हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट, और अब उस चिप्स की पैकेट को बेक कर हम लोग पैसे कमा सकते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स मतलब कहाँ कहाँ पर ऐसे बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं जहाँ पर काम हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत अलग अलग जगह पर। अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक साथ हो जाती हैं, मान लो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आसपास में ही खुली हुई हैं, तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक होते हैं उन्हें भी होता है, गवर्नमेंट को भी होता है, क्योंकि वो लोग फिर एक साथ मिलकर बहुत सारा काम आसानी से कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स
ऐसे कुछ जगहें हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप हैं बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर वेस्टर्न एरिया जो हो गया अमेरिका का वो, और फिर हमारा हो गया सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का क्लस्टर। अब इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं, हमने बात कर ली पूरे वर्ल्ड की, लेकिन अब इंडिया की भी बात करते हैं। तो एक मुंबई पुणे के अंदर हमें क्लस्टर देखने को मिलता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का। फिर बेंगलोर के अंदर तमिलनाडु रीजन है, जो तमिलनाडु रीजन, वहाँ पर भी बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ का हमें देखने को मिलता है क्लस्टर। अब क्लस्टर का मतलब क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन भी हमें देखने को मिलता है, इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पर भी हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। तो यही हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताई गई है कि इंडस्ट्रियल रीजन्स जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं वहाँ पर लोगों को जॉब भी आसानी से मिलती है, वहाँ पर लोग भी रहते हैं और इंडस्ट्रीज़ को भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड के अंदर कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि आयरन, स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये चार मेजर इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े स्केल पर हैं। आयरन इंडस्ट्रीज, आपको पता है कि आयरन की चीज़ें हैं तो आयरन इंडस्ट्रीज उसके लिए सेटअप हो रखी है। स्टील की भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। टेक्सटाइल हम लोग बोलते हैं जो कपड़े वगैरह हम लोग पहनते हैं, मैट बिछाते हैं, ये सब चीज़ें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। दूसरी हो गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग जो ये यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपने हाथ में जो आपके फ़ोन है, लैपटॉप है, ये सब किसके अंदर आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर। ये जो आयरन, स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये काफ़ी पुरानी है, मतलब आयरन भी बहुत टाइम से बनता आ रहा है, स्टील भी बहुत टाइम से और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी। लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री है ये नई नई है और ये इमर्जिंग इंडस्ट्री बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि ये नई है। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके की फीडर इंडस्ट्री है। इसका मतलब क्या होता है, इसके जो प्रोडक्ट हैं आयरन और स्टील के, ये हमें आयरन और स्टील दे देते हैं और फिर हम इन आयरन और स्टील से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, इनके जो रॉ मटेरियल से हम लोग अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं। द इनपुट्स फॉर दिस इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इंटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेज, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आयरन ओर को लिया और दो मिनट में वो स्टील के अंदर बदल गई। रॉ मटेरियल को ब्लास्ट करना पड़ता है, पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस। फर्नेस क्या होती है, हमारी एक तरीके की भट्टी होती है जिसके अंदर इन्हें गर्म करा जाता है, जहाँ पर स्मेल्टिंग होती है, पिघल जाता है ये। फिर उसके बाद इसको रिफाइन करा जाता है, रिफाइन मतलब कि क्लीन, मतलब कोई भी अगर मान लो ज़मीन के अंदर से ही तो निकाला है हमने आयरन ओर को, तो उसके अंदर मिट्टी विट्टी भी हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उन सब चीज़ों को क्लीन करके प्योर हमारा आयरन से स्टील बनाया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेंड इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। अब जो ये स्टील मिला है, स्टील खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अभी हम लोग आलू की बार बार बात कर रहे थे, तो जो आलू है, आलू से सिर्फ चिप्स ही थोड़ा ना बनते हैं, सब्जी भी बनती है और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आलू की। तो इसी तरीके से जो हमारा स्टील है वो खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इससे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। आयरन एंड स्टील, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये जो स्टील है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको मॉडर्न बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री भी क्यों बोला गया है, क्योंकि आपके घर में जो टूल्स होंगे, शिप्स आप देखते हो जो बड़ी बड़ी, ट्रेन्स देखते हो, ट्रक्स को देखते हो, ऑटोज को देखते हो, यहाँ तक कि फोन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स को देखते हो, ये सब चीज़ें आयरन या फिर स्टील से बनी हुई होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसको इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों बोला गया है, क्यों इसको बैकबोन बोला गया है। स्टील के आखिर फीचर क्या होते हैं, आखिर स्टील को हर जगह यूज क्यों करा जा रहा है। एक तो स्टील बहुत टफ होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो आसानी से इट कैन बी शेप्ड, कट और मेड इनटू थिन वायर्स। हम लोग इसको किसी भी शेप के अंदर ला सकते हैं, कट कर सकते हैं और इसकी थिन वायर्स भी बना सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। तो हम लोग अलॉय भी बना सकते हैं स्टील का। अब ये अलॉय क्या है,
मान लो अगर आपको कहीं पर प्योर स्टील का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप थोड़ी मिलावट भी कर सकते हो और भी मेटल्स को मिला सकते हो। अब ये मिलाएंगे कैसे, जब हमने हीट करा था ना फर्नेस के अंदर स्टील को, तभी उसके अंदर कुछ और आप चीज़ पुट कर सकते हो। एलॉय गिव्स स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। अब स्टील जो है, स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन और आयरन फेमस है रस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर जब हम लोग एलॉय मिलाते हैं ना स्टील के अंदर, कुछ मिलावट करते हैं, कुछ और मेटल को मिलाते हैं, तो उससे जनरली देखने को मिलता है कि स्टील और ज़्यादा हार्ड हो गया, टफ हो गया और रस्ट भी अब उसके अंदर नहीं लग रही। टाइमलाइन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेशन। बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वॉज ईजीली अवेलेबल। तो पहले क्या था, 1800 AD से पहले स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज वहाँ पर सेटअप थी जहाँ पर रॉ मटेरियल मतलब आसानी से स्टील मिल जाता था, आसानी से पावर भी मिल जाती थी, बिजली मिल जाती थी और पानी भी मिल जाता था। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या, सबसे पहले तो स्टील ही मिल जाए हमें रॉ मटेरियल में, दूसरी क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिजली पावर, तीसरी चीज़ क्या, रनिंग वाटर। तो बिटवीन 1850 to 1900 AD द आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनल्स एंड केनाल्स एंड रेलवेज। तो यहाँ पर मतलब देखा गया कि 1850 और 1900 AD के अंदर आइडियल लोकेशन वो थी जहाँ पर कोल की फील्ड्स थी, जहाँ पर कोयलों की खदान थी, ठीक है, वहाँ पर पास ही में अगर पानी भी है और रेलवे ट्रैक भी है तो आसानी से लोग यहीं पर स्टील इंडस्ट्री सेटअप कर देते थे। आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन अ लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स, बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। अब क्या हुआ कि पहले तो मान लो स्टील जो है, जैसे इंडिया को ले लिया हमने एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे देश के अंदर से ही पूरी हो रही थी। हम बड़ी बड़ी वो सेटअप कर लेते थे फैक्ट्रीज जहाँ पर स्टील होता था, उसके पास में आसपास पानी मिल जाता था हमें, तो वहीं पर हमने अपना स्टील का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। लेकिन 1950 के बाद क्या हुआ कि रेलवे बनने लग गई, बहुत सारी ट्रेन्स बनने लगी, स्कूटी कार्स इन सब के अंदर स्टील का यूजेज था, तो इस वजह से स्टील को कहाँ पर सेटअप करा गया, समुंदर के पास। लेकिन समुंदर के पास क्यों, क्योंकि समुंदर के पास से ही हम लोग क्या करते थे, और कंट्रीज से स्टील वगैरह मंगाते थे। उस स्टील को हम लोग डायरेक्टली समुंदर के पास जैसे ही वो आता था हम लोग उसे उतारते थे और जो फैक्ट्री थी उसके अंदर ले जाकर काम करना शुरू। अब सोचो कि अगर दिल्ली वगैरह के अंदर हमने कंपनी सेटअप कर दी, स्टील आया कहाँ पर, मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर सी शोर पर आया, वहाँ से फिर हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा दिल्ली के अंदर, कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे बेटर ये है कि अगर हम लोग एक फैक्ट्री सेटअप कर दें नियर मुंबई और वहीं के वहीं पे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करें तो बहुत बेटर है। तो ऐसा ही होने लगा, लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है ये आयरन और स्टील की इंडस्ट्री। एक तो जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया, यहाँ सब जगह पर हमें लोकेशन ऑफ आयरन और स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलती है और इसी वजह से ज़्यादातर इन देश में पैसा भी अच्छा खासा है। दूसरा है लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर है। एक तो भिलई करके जगह है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ पर है, दुर्गापुर, बुरनपुर वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है, उसके बाद हमारा जमशेदपुर झारखंड के अंदर है। तो जमशेदपुर बहुत फेमस है और वहाँ पर हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्टील मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाई हुई है। क्या आप में से कोई बता सकता है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, ठीक है। तो जमशेदपुर के अंदर भी हमारा स्टील का सेटअप है। अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स, और भी बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं, जैसे भद्रावती, विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलीम इन तमिलनाडु, तो ऐसी जगहें हैं। अब बात करते हैं जमशेदपुर की। इंडिपेंडेंस से पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। हमारे पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ एक यही आयरन और स्टील प्लांट था। ये कंपनी प्राइवेटली ओन्ड थी, मतलब सिर्फ इसका एक ही मालिक था, गवर्नमेंट मालिक नहीं थी, प्राइवेट मालिक था इसका कोई ना कोई। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट। ऐसे ही बहुत सारे आयरन और स्टील के प्लांट्स को लगाया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस।
डिस्को को स्टार्ट करा गया था 1907 में एट सक्ची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुभर नरखा एंड करकाई, करकाई इन झारखंड, खरखाई रिवर और सुभर नरखा जो रिवर है इनके पास में इसको सेटअप करा गया था। तो सक्ची को रीनेम्ड करा गया, जो सक्ची जगह थी उसको रीनेम्ड करा गया था बाद में जमशेदपुर। तो यहाँ पर ये जो जमशेदपुर है यहीं पर स्टील प्लांट्स को क्यों सेटअप करा गया था, क्या रीज़न था? तो ये जो पूरी जगह थी ये 32 किलोमीटर मतलब सिर्फ 32 किलोमीटर ही दूर थी कालीमती स्टेशन से, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है। ये आयरन ओर के काफ़ी पास थी तो आयरन ओर लाने में भी दिक्कत नहीं होती थी। आयरन ओर के साथ साथ कोल और मैग्नीज के डिपॉजिट्स भी थे जो कि कोलकाता के अंदर आसानी से अवेलेबल थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि यहीं पर कोलकाता के अंदर ही लार्ज मार्केट्स थे, बड़े बड़े मार्केट्स थे जहां पर हम इन सारी चीज़ों को सेल भी कर सकते थे। तो टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड्स एंड आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। द खरखई एंड सुबर्नरखा रिवर्स एश्योर्ड सफिशियंट वाटर सप्लाई, गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल्स फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये जो दो रिवर्स हैं इनसे पानी भी आसानी से मिल जाता था और जो गवर्नमेंट ने पैसा वगैरह दे दिया था इन्हें उस चीज़ से भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट ये कर पाए थे। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। आयरन और स्टील यहीं पर क्यों डेवलप करा जाता है? वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन पिट्सबर्ग? जो रॉ मटेरियल है कोल इज़ अवेलेबल लोकली, बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है। वाइल द आयरन ओर, जो आयरन ओर है वो इतने आसानी से नहीं मिलती, वो आती है मिनीसोटा की आयरन ओर से जो कि लगभग 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। इतनी दूर से क्यों लाया जाता है आयरन ओर को, वहीं पर क्यों नहीं इंडस्ट्री सेटअप करी गई? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बिटवीन दीज माइंस पिट्सबर्ग ग्रेट लेक्स वे, यहाँ पर क्या है कि पानी भी आसानी से प्रेजेंट है। पिट्सबर्ग का जो ग्रेट लेक वे वाटर वे है इधर पानी आसानी से प्रेजेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पानी के साथ साथ यहाँ पर जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है मतलब जो ट्रेन्स हैं जो ओर को कैरी करके लेकर आती हैं पिट्सबर्ग तक, काफ़ी सस्ते में, बहुत ही अगर हम लोग देखें तो काफ़ी सस्ते में शिपिंग हो जाती है, बहुत ही सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह आ जाती हैं। और इसी तरीके से हम लोग इन्हें एक जगह से दूसरी जगह बनने के बाद भेज भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट जो है वो बहुत सस्ती है। तो ओहायो, मोनोगेलिया एंड एलेंग्री रिवर जो है वो एडिक्वेट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती है। टुडे लार्ज स्टील मिल्स, इसी वजह से जो बड़ी बड़ी स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं वो सब चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर सेटअप हैं, इसी लोकेशन के अंदर सेटअप हैं। फिनिश स्टील को ट्रांसपोर्ट करा जाता है बाय वाटर एंड लैंड एज वेल। तो दोनों जगह से जो फिनिश स्टील है, जब हमारा स्टील रेडी हो जाता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी सस्ती है क्योंकि रिवर पास में ही है, तो आसानी से इसको या तो लैंड के थ्रू या वाटर के थ्रू बाद में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, किस तरीके के फाइबर यूज़ हुए हैं उनके अंदर। अब जो फाइबर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं मैनमेड। आपने इसे अपनी साइंस की बुक में ज़रूर पढ़ा होगा। नेचुरल फाइबर्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं वुल से, सिल्क से, कॉटन, लिनन, जूट, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। मैनमेड फाइबर्स के अंदर आते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्कलिक एंड रेयन, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये मैनमेड इंसानों ने बनाई हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान ये देखा गया कि कॉटन क्लोथ्स को हैंड स्पिनिंग की टेक्निक से बनाया जाता था, जिनको हम लोग लूम्स भी बोलते हैं, हैंड लूम्स बोलते हैं, आपने देखा होगा। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स आई। अब ये पावर लूम्स क्या है? पावर लूम्स एक तरीके की मशीन है जिन्होंने फैसिलिटेट करा डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर पावर लूम्स को लाया गया। पावर लूम्स क्या होती थी? मशीन थी जो पूरा हाथ से काम करते थे हम लोग, स्पिनिंग टेक्निक का यूज़ करके कॉटन के क्लोथ्स बनाते थे। अब वो मशीन के थ्रू बन रहे थे। अब मशीन के थ्रू बन रहे थे तो जल्दी बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे तो पैसा भी ज़्यादा आएगा। तो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर जो थे कॉटन टेक्सटाइल के वो थे इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए।
बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन हैंड स्पन द हैंड वूवन क्लोथ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। ब्रिटिश रूल से पहले जो इंडियंस थे वो अपना जो भी पूरे के पूरे क्लोथ्स बनाते थे वो हैंड स्पन हाथ से घुमा घुमा कर हाथ से बुनकर बनाया करते थे, जो कि पूरी दुनिया के अंदर फेमस थे अपनी क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए। लेकिन अब इन सब चीज़ों को हाथ से बनाया जाता था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, टाइम लगता था और साथ में पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते थे। लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो हाउएवर द ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स फ्रॉम द वेस्ट। अब जो ये वेस्ट के अंदर मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप हो रही थी US वगैरह के अंदर और यूरोप वगैरह के अंदर, उनसे इन्हें कैसे बचना था? तो यहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी आखिर इनसे बचने की ज़रूरत क्या पड़ रही थी? अभी मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा अपना मटेरियल मशीन से रेडी कर रहे थे, बहुत जल्दी रेडी कर रहे थे। अब जल्दी रेडी करने की वजह से इनके पास तो क्लोथ्स रेडी थे तो ये सस्ते में भी बेच पा रहे थे उनको। तो अब क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है कि एक चीज़ सस्ती खरीदो या महंगी खरीदो, तो आप तो ऑब्वियसली सस्ती चीज़ खरीदोगे। तो यहाँ पर जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया की, उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा हो रहा था। तो यहाँ पर चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक प्रोड्यूस कर रही थी जो वेस्ट के अंदर बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज़ करके। द फर्स्ट सक्सेसफुल, इसी चीज़ को देखकर फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड मतलब कि मशीन्स का यूज़ करके टेक्सटाइल मिल को सेटअप करा गया मुंबई के अंदर 1854 में। तो अब इंडिया भी पीछे नहीं रहने वाला था, उसने भी मशीन्स का यूज़ करके फैब्रिक्स को बनाना शुरू कर दिया। अब लोकेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर हैं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट है। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली भी क्रिएट करा जा सकता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा है ना, बारिश के टाइम पे आपने देखा होगा एयर कैसी हो जाती है, पूरी एयर के अंदर वाटर वाटर चिप 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 चिपापन हमें फील होता है, ऐसा लगता है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। सो दिस इज़ ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी क्रिएट हम लोग आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। रॉ कॉटन एंड रॉ कॉटन इज़ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ। तो यहाँ पर अब कॉटन भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। तो इंडस्ट्री जो है अलग अलग पार्ट्स के अंदर हमारी कंट्री के अंदर अब सेटअप हो रही है, जैसे कि कोयम्बतूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडिचेरी एंड पानीपत, इधर भी अब हमें कॉटन इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही है। अहमदाबाद, अहमदाबाद जो कि गुजरात के पास में है और पास ही में साबरमती रिवर भी है अहमदाबाद की, इसी वजह से यहाँ पर भी बहुत सारी कॉटन मिल इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। द फर्स्ट मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1859 आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद अब अहमदाबाद एक बहुत ही सूटेबल जगह थी जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी इन इंडिया आफ्टर मुंबई एंड वॉज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बहुत सारी हम लोगों ने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं ये अहमदाबाद के अंदर क्यों सेटअप हो रही थी? अहमदाबाद सबसे पहले तो ऐसी जगह पर है अहमदाबाद की लोकेशन के आसपास ही लोग कॉटन ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनसे आसानी से कॉटन मिल जाता है। क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है यहाँ का, हम लोग जो स्पिनिंग करते हैं और वीविंग करते हैं, जो सिलाई वगैरह का काम होता है कॉटन का पूरा, वो काफ़ी आसानी से हो जाता है यहाँ पर, क्लाइमेट ही इतना अच्छा है। फ्लैट टेरेन है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, आसानी से आपको ज़मीन मिल जाती है जहाँ पर आप बड़ी बड़ी कंपनी या फिर मिल्स का सेटअप कर सकते हो। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइडेड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। अब जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता था कि अहमदाबाद के अंदर कुछ लोग गुजरात और महाराष्ट्र के आ जाया करते थे काम करने के लिए, तो यहाँ पर एक स्किल्ड भी और सेमी स्किल्ड भी, स्किल्ड मतलब कि जिसको बहुत अच्छे से काम आता था कॉटन का, वो भी पर्सन आ जाया करते थे काम करने के लिए यहाँ पर, और सेमी स्किल्ड जिनको थोड़ा बहुत आता था। वेल डेवलप्ड रोड रेलवे नेटवर्क परमिट्स ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रोड इतनी अच्छी थी यहाँ की, रेलवे नेटवर्क काफ़ी अच्छे थे जिससे आसानी से
जो टेक्सटाइल होते थे, कॉटन वगैरह के क्लोथ्स या फिर और भी किसी मटेरियल के फैब्रिक के क्लोथ्स, आसानी से उन्हें कंट्री के किसी भी पार्ट में पहुँचाया जा सकता था। तो ईजी एक्सेस था टू मार्केट। मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पर जो मुंबई था, पास में ही मुंबई भी था, तो मुंबई से बड़ी बड़ी मशीन्स भी खरीद सकते थे। साथ ही में अगर कॉटन को हमें बाहर दूसरे देशों में बेचना है तो उसे भी हम लोग बेच सकते थे। बट इन द रीसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स फेसिंग प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स को। वो क्या है, सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन ड्यू टू एमरजेंसी ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के अंदर क्या है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अपनी मशीनरी को, और साथ ही में हमारी पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग जगह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओपन हो गई हैं। इस वजह से अहमदाबाद के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्लोज, टेक्सटाइल के जो कंपनीज हैं वो क्लोज हो रही हैं। ओसाका बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जापान के लिए, इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है। आखिर यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्यों डेवलप करा गया, तो यहाँ पर एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका एश्योर दैट लैंड वॉज ईजीली अवेलेबल, आसानी से ज़मीन मिल जाती थी जहाँ पर हम लोग कॉटन मिल्स को लगा सकते थे, तो कॉटन मिल्स की ग्रोथ यहाँ पर आसानी से हो जाती थी। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट था जो कि बहुत ही सूटेबल था फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। द रिवर योडो प्रोवाइड सफिशियंट वाटर फॉर द मिल्स। अब जो योडो रिवर थी यहाँ पर पानी भी आसानी से दे देती थी, ये योडो रिवर से लोग ले लेते थे पानी अपनी मिल्स के काम के लिए। लेबर इज ईजिली अवेलेबल, लेबर भी आसानी से मिल जाती थी। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल। तो यहाँ पर पोर्ट मतलब कि बंदरगाह जिसे हम लोग बोलते हैं, बंदरगाह का मतलब क्या हो गया, समुद्र के पास में जहाँ से हम लोग शिप्स वगैरह आती है ना, वहाँ से हम लोग चीज़ों को आसानी से ले सकते हैं और बेच सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्ट आसानी से हो जाता था रॉ कॉटन। मान लो अगर कॉटन पूरा नहीं उग पा रहा वहाँ पर, तो हम किसी और कंट्री से कॉटन मंगा सकते थे। साथ ही में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया कॉटन का, कपड़े वपड़े या कोई भी चीज़, उसको हम लोग दूसरी कंट्रियों के अंदर आसानी से बेच भी सकते थे। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड US। तो यहाँ पर कॉटन कहाँ से इम्पोर्ट करा जाता है, इजिप्ट, इंडिया, US और चाइना से। और फिनिश जो प्रोडक्ट हो जाते हैं, मतलब रेडी कर देते हैं ये लोग, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट, बहुत ज़्यादा इसका अच्छा मार्केट है, क्योंकि यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है और बहुत सस्ता होता है। इस वजह से लोग लेना भी यहाँ से कपड़े प्रेफर करते हैं। रिसेंटली द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर क्या हुआ है, धीरे धीरे समय के साथ साथ जो यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो रिप्लेस हो गई है। अब उसकी जगह हमें देखने को मिलती है आयरन और स्टील की इंडस्ट्री, मशीनरी की इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग की, ऑटोमोबाइल्स मतलब जो कार वगैरह बनाने की कंपनीज होती हैं वो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की और सीमेंट की। ये अलग अलग कंपनीज अब सेटअप हो गई हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, सबके लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब जो हमारा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि IT इंडस्ट्री, इसका सिंपल क्या काम है, ये डील करती है स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन से। स्टोरेज का क्या काम और प्रोसेसिंग का क्या काम इसमें, सिंपल सी बात है। मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो प्रिपेयर करा, इसको स्टोर करा किसके ऊपर, YouTube के ऊपर। YouTube ने इस वीडियो को प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद आपने जब भी YouTube के ऊपर सर्च करा कि ये वाला चैप्टर मुझे देखना है, तो उसने उस पूरी की पूरी वीडियो को आप तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वर्क करती है। जैसे कि गूगल पे आप जाओ, कुछ भी सर्च करा आपने, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, उन वेबसाइट पे क्लिक करोगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये क्या करती हैं, स्टोर करती हैं इन्फॉर्मेशन को, प्रोसेस करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं हमारे पास जो IT कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है ये ग्लोबल बन चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स ये कवर करती हैं। मेजर हब्स ऑफ द IT इंडस्ट्रीज ऑफ वर्ल्ड आर सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया के अंदर है, और बेंगलोर के अंदर भी हमें देखने को मिलता है जो कि इंडिया के अंदर है। तो यहाँ पर इमर्जिंग
अगर हम लोग देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स हमें देखने को मिल रहे हैं मुंबई के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, हैदराबाद और चेन्नई, और भी कुछ सिटीज़ हैं जैसे गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, कोची हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पर भी अब आईटी इंडस्ट्रीज़ का धीरे धीरे करके डेवलपमेंट और सेटअप हो रहा है। आखिर बेंगलोर के अंदर, सोचो आप मुंबई या फिर दिल्ली के अंदर ही क्यों नहीं, सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मुंबई और दिल्ली के अंदर ही सेटअप हुई हैं ज़्यादातर तो, या उनके पास में, लेकिन यहाँ पर बेंगलोर का क्या एडवांटेज था? तो बेंगलोर के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आईटी कॉलेजेस। अब आईटी कॉलेजेस के अंदर किसके बारे में पढ़ाया जाता है? पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कॉलेजेस होने की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता है। साथ ही में इस सिटी को कंसीडर करा गया है डस्ट फ्री, ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता रेंट है तो बच्चे आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, चीज़ें बहुत सस्ती हैं। और यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अनाउंस करा था NIT पॉलिसी इन 1992, तो फर्स्ट गवर्नमेंट थी जिसने बहुत पहले ही एडवांस में ही एक IT पॉलिसी निकाल दी थी। तो सिटी जो है वो लार्जेस्ट और वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमें स्किल्ड मैनेजर्स की, स्किल्ड मैनेजर्स विद वर्क एक्सपीरियंस, जिन्हें बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो इसी वजह से जो बेंगलोर है यहाँ पर हमें आईटी इंडस्ट्री देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कैलिफोर्निया की, सिलिकन वैली कैलिफोर्निया। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप जान के बहुत इंटरेस्टेड हो जाओगे। जो भी बड़ी टेक जाइंट कंपनी जैसे कि फेसबुक, गूगल, ये सब चीज़, ये सब कहाँ से आई हैं? ये सब चीज़ें हमें मिली हैं सिलिकन वैली कैलिफोर्निया से। यहीं पर ये बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप हुई हैं, यहीं से ये बड़ी बड़ी कंपनी इतना बड़ा बनी है। एप्पल भी सिलिकॉन वैली का ही एक प्रोडक्ट है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया का। तो इसका आखिर एडवांटेज क्या है? यहीं पर सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ कैसे बन रही हैं? तो ये मोस्ट एडवांस्ड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर के पास में है कैलिफोर्निया हमारा। इस वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इतनी ज़्यादा इनोवेशन हो रही है, इतनी नई नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट है, अच्छा है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। साथ ही में इन्वायरमेंट भी क्लीन है, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, प्लेंटी ऑफ स्पेस है, बहुत ज़्यादा जगह है डेवलपमेंट और फर्दर एक्सपेंशन के लिए। मतलब हम लोग और भी बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। साथ ही में बड़ी बड़ी रोड्स जो कि हमें और सिटीज से कनेक्ट करती हैं, और एयरपोर्ट भी अवेलेबल है, गुड एक्सेस टू मार्केट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। तो यहाँ पर हमें बहुत ही आसानी से मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ हम लोग सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, और स्किल्ड वर्कफोर्स है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एडवांस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं, जैसे बात कर लें गूगल की, गूगल का हेड ऑफिस भी वहीं पर है सिलिकॉन वैली के अंदर, एप्पल का भी वहीं पर है। तो ये इतने बड़े बड़े एडवांस्ड टेक ऑफिस यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो स्किल्ड वर्कफोर्स आसानी से मिल जाती है। तो यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिलिकॉन वैली के बारे में क्या आप पहले जानते थे? सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया के अंदर सिचुएटेड है, इवन वी कॉल कैलिफोर्निया ओनली सिलिकॉन वैली, क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय, टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।